हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मल्टी कुल्टी वेजी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेरियन पिज्ज़ा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। सबसे पहले हमें चाहिए टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम बॉइल्ड टमाटर, बारीक कटा हुआ लहसुन ओरिगानो पाउडर, थोड़ा सा तेल और स्वाद अनुसार नमक। अब हम सारे सामान को एक मिक्सर में ग्राइंड कर देंगे। हमारी टमाटो सॉस तैयार हो चुकी है। पिज्ज़ा के लिए अब चाहिए पिज्ज़ा डो। आप मेरी पहली वीडियो में देख सकते हैं। टोमेटो सॉस, कॉर्न, शिमला मिर्च, प्याज, मशरूम, ब्रोकली और हरी मिर्च, और पिज्ज़ा के ऊपर डालने के लिए मोज़रेला चीज़। अब हम डो को अच्छे से पिज़्ज़ा ट्रे में एडजस्ट कर लेंगे। इसके ऊपर हम सबसे पहले टोमेटो सॉस डालेंगे। और उसके बाद सारी सब्जियां डाल देंगे। और टॉपिंग के लिए हम पिज़्ज़ा चीज़ को भी डाल देंगे। अब पिज़्ज़ा को ओवन में रख देंगे। मैंने पहले से ही ओवन को 250 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया। 30 से 25 मिनट बाद हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हम एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे।